तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में, बाबा साहब जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय आर जोशी जी, समता सैनिक दल के राष्ट्रीय मुख्य सुरक्षा माननीय मोहित सिंह गौतम जी, एस सी एस टी प्रसंघ के चेयरमैन भाई वी एस भारती जी, भाई के पी चौधरी जी, मंच पर विद्यमान सभी गणमान्य अतिथियों, और आज इस कार्यक्रम में आप सभी जो भारतीय नाम में उपस्थित हुए हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नौजवान साथियों, आज इस देश में जिस तरीके से कुछ कट्टरवाद, कुछ मनुवाद लोग बाबा साहब के संविधान को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए और संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ न करने के लिए हर जिले में, हर प्रदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए हमारे हृदय सम्राट बाबा साहब प्रकाश अम्बेडकर जी जो पूरे देश का दौरा करके एक बड़ी रैली करके इस सरकार को चेतावनी देने के लिए जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम तमाम संगठनों के लोग, जिसमें बाबा साहब द्वारा स्थापित समता सैनिक दल पूर्ण रूप से, और जितने भी कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, जो जनपेशन के ऊपर पठाराघात किया जा रहा है, उसको लीड करने वाले एस एस डी प्रसंघ के भाई बी एस भारती जी, के पी चौधरी जी, मैं इन सभी को आश्वासन देता हूँ कि जहाँ भी चोर जुर्म की बात होगी, समता सैनिक दल की पूरी टीम उस कार्यक्रम में हिस्सा भी लेगी और कोई भी किसी प्रकार की तो बाधा पहुंचाने का काम करेगा या प्रशासन हमारे हितों की रक्षा करने में नाकाम रहेगा तो उसको टकराने के लिए हम साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना समय अन्य अतिथियों को देता हूं, प्रकाश जी को, जोशी साहब को देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।